हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मैथ्स 2 से फ्रॉम चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप उन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन जो काफी सिंपल, इंटरेस्टिंग और ईजी है टू अंडरस्टैंड, और फ्रेंड्स साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं इजी और इंटरेस्टिंग वे में, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहां से किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है हमें इन फिगर 1.81 द वर्टिसेस of square DEFG are on the sides of triangle ABC। तो फ्रेंड देखिए, यह है वो फिगर 1.81 और हमें दिया है the vertices of square। तो फ्रेंड देखिए, यह है चार vertices GFED या DEFG। तो ये जो फोर vertices है वो फोर vertices है इसके square के है। ठीक है, तो ये quadrilateral दिया है हमें square, और ये फोर वर्टिसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए, ट्रायंगल एबीसी के ये जो साइड्स है इन पे फोर वर्टिसेस प्रेजेंट है। देन एंगल ए दिया आपको 90 डिग्री, तो ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। और एक बात फ्रेंड, जैसे क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, तो पता है हमें कि इसके चारों एंगल्स क्या रहेंगे, 90 के रहेंगे। तो देखिए, चारों एंगल्स हो जाएंगे 90 के, और ये सभी साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये चारों साइड्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखिए हिंट दिया है कि एग्जैक्टली हमें इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें हिंट में लिखा है कि ट्राइंगल जी बी डी एंड ट्राइंगल सी एफ ई को हमें क्या शो करना है, सिमिलर। तो कहाँ पे जी बी डी और सी एफ ई, देखिए इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। उसके बाद हमें यूज करना है जी डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी। हमें यूज करना है जी डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिंट को हम यूज करने वाले हैं और इस हिंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शुरू करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी बी डी से। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, जी बी डी। फ्रेंड्स, हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ए बी सी और जी बी डी को। फ्रेंड देखिए, ए बी सी और ये जो जी बी डी है इस ट्राइंगल में, यहाँ पे देखिए एंगल बी एक कॉमन एंगल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में बड़े वाले और ये छोटे वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे बी देखिए एंगल ये क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसे, एंगल जी बी डी को। एंगल बी इज कॉमन, यहाँ पे आएगा एंगल जी बी डी, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कॉमन एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका जी बी डी। उसके बाद फ्रेंड देखिए, ये एक एंगल हमें मिल चुका है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए है 90 और स्मॉलर ट्राइंगल जी बी डी में एंगल डी है 90। देखिए, ये एंगल 90 का है क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या रहेगा, 90। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसे, एंगल जी डी बी को, और इसका रीजन है दोनों क्या है, 90 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जी डी बी, जी डी बी, और इसका रीजन है ईच आर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इन दो ट्राइंगल्स में हमें दो पेयर्स मिल चुके हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की, तो डेफिनेटली हम इन दो ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर बाय ए टेस्ट। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्राइंगल बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब फ्रेंड देखिए, चलिए इस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे नाम, सबसे पहले देखिए एंगल बी यहाँ पे कॉमन है, एंगल बी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने बी को लिखा है सेंटर में, तो यहाँ पे बी आएगा सेंटर में। उसके बाद फ्रेंड्स, एंगल ए है 90 का, तो स्मॉलर ट्राइंगल में कौन 90 है, डी 90 है। ए यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पोजीशन में, तो डी आएगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में। फ्रेंड देखिए, डी हो चुका है बी, अब लास्ट पोजीशन में कौन बचा है, जी। ठीक है,
देखिए इस तरह ये दो ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर और ये हो गई इक्वेशन वन। इसके बाद फ्रेंड्स हम ट्राइंगल ए बी सी और एंगल सी एफ ई को क्या बताएंगे, सिमिलर। ठीक है, और आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वहां पे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी और ट्राइंगल सी एफ ई। अगेन देखिए एंगल सी यहाँ पे कॉमन रहने वाला है, ठीक है, दोनों में एंगल ए 90, तो यहाँ पे कौन 90, एंगल ई क्या है 90। तो इस तरह आप इन दो ट्राइंगल्स को ए बी सी और सी एफ ई, इन दो ट्राइंगल्स को भी क्या बोल सकते हैं या सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल ए यहाँ पे 90, तो यहाँ पे ई 90 रहेगा और एंगल सी दोनों में क्या रहेगा कॉमन। तो हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूफ कर सकते हैं हम, कि ट्राइंगल ए बी सी ये किसे सिमिलर रहेगा, ट्राइंगल को एक दूसरे बाय कौन सी टेस्ट, ए ए टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। फ्रेंड्स अब इस ट्राइंगल का नाम हमें थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए, हम बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल सी एफ ई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एंगल ए यहाँ पे 90 का है, बड़े वाले ट्राइंगल का ए 90 है, तो स्मॉलर ट्राइंगल में कौन 90 आएगा, देखिए ई 90 आएगा। ठीक है, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल 90 का है स्क्वायर का, तो रिमेनिंग ये वाला जो एंगल है ये भी क्या रहेगा 90, लीनियर पेयर है ये, तो ये एंगल ई आएगा 90। तो हमने यहाँ पे ए को लिखा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे ई आएगा देखिए फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में फ्रेंड्स एंगल सी देखिए कॉमन आने वाला है, तो एंगल सी यहाँ पे हमने लिखा है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी एंगल आएगा सी थर्ड पोजीशन पे। अब देखिए ई हो चुका है, सी हो चुका है, अब सेंटर में कौन बचा, एफ, तो ये आएगा ई एफ सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखना था। अब फ्रॉम वन एंड टू हम लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू देखिए हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी बी जी को और ट्राइंगल ए बी सी अगेन सिमिलर है ई एफ सी को। सो फ्रॉम वन एंड टू हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर। ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड टू हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा, डी बी जी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। और इसका जो मेन रीजन है फ्रेंड्स वो है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़े थे जो हमने स्टार्ट किए थे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पे फ्रेंड्स हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे। सिमेट्री मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। सो देयरफॉर इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें ये दो ट्राइंगल्स मिल चुके हैं सिमिलर, तो अब हम लेंगे इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें कौन से करेस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए, हम वही लेंगे। कौन से चाहिए देखिए हमें, हमें चाहिए जी डी, सॉरी हमें चाहिए डी ई बी डी ई सी। तो हमें चाहिए डी ई, कहाँ पे डी ई, चलो यहाँ पे डी नहीं है। उसके बाद बी डी ई सी, कहाँ पे बी डी, देखिए यह है बी डी और उसके बाद यह है ई सी। देखिए फ्रेंड्स हमें चाहिए बी डी और हमें चाहिए यहाँ पे ई सी, तो देयरफॉर हम लेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स डी बी। तो अगर आपने डी बी लिया तो डी बी को करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको ई एफ लेना ही पड़ेगा, ये आएगा ई एफ इज इक्वल टू। फिर हमें चाहिए ई सी, देखिए ई सी, तो इसी को करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन रहेगा, डी जी रहेगा, तो ये आएगा डी जी डिवाइड बाय फिर नीचे कौन आएगा ई सी। और इसका रीजन है करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये है बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी, देखिए ये है बी डी और यह है ई सी, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डी बी इंटू ई सी इज इक्वल टू ई एफ इंटू डी जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे फाइनली हमें मिल चुका है कुछ इस तरह का आंसर, तो ये है डी बी इंटू ई सी इज इक्वल टू ई एफ इंटू डी जी। तो फ्रेंड देखिए हमें यहाँ पे बी डी इंटू ई सी तो मिल चुका है, यहाँ पे देखिए बी डी इंटू ई सी मिल चुका है, मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है और यहाँ पे क्या है डी ई का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे ये साइड ई एफ और डी जी, देखिए ये है ई एफ और यह है डी जी। तो फ्रेंड देखिए, बट हमें पता है क्या, ई एफ इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, इसका रीजन है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये बट ई एफ ये डी जी और ये डी, ये तीनों साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स है और स्क्वायर के सभी साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, सो डी बी इंटू ई सी
इज इक्वल टू, ये जो ई एफ है इसके जगह पे आप लिखेंगे हम डी ई इंटू, अगेन यहाँ पे जो डी जी है इस डी जी की जगह पे लिखेंगे हम डी ई, क्योंकि ये सभी साइड्स ई एफ डी जी डी ये सभी इक्वल है, तो हम ई एफ को रिप्लेस कर रहे हैं डी से और साथ में डी जी को हम रिप्लेस कर रहे हैं डी से, ठीक है। तो देयर फोर अब हम लिखेंगे, देखिए आगे डी बी को हम लिखने वाले हैं बी डी, ये हो गया आपका ई सी, ई सी इज इक्वल टू डी इंटू डी, ये आ जाएगा डी ई का स्क्वायर। सो देयर फोर फाइनली हम लिखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो फ्रेंड देखिए इस तरह ये प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो फ्रेंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट प्रूफ है फॉर 3 मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हॉट क्वेश्चंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है उन्हें। तो फ्रेंड्स तब तक आप इस प्रॉब्लम को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।